अगर आप अपना ITR फॉर्म वन फिलअप कर रहे हैं तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आपको फिलअप करना है। आपको हिंदी में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कोई भी सैलरी पर्सन हो, BSF, CRPF, ITBP, CISF, पैरामिलिट्री डिफेंस का कोई भी बंदा हो, सैलरी पर्सन गवर्नमेंट नौकरी करता हो, वो इस वीडियो को देखकर आसानी से अपना ITR वन फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं और गूगल में टाइप करते हैं ई फाइलिंग। इसके बाद आपको यह फर्स्ट में आपको यह दिख जाएगा इनकम टैक्स, इस वाले इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ऐसा पेज खुल जाएगा, आप यहाँ पे इसको कट कर देना है। जिन्होंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं किया है तो रजिस्टर या सेल्फ पे क्लिक करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। और जिन्होंने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड बना रखा तो लॉग इन एयर पे आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ऐसा पेज शो होगा जहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा कोड यहाँ पे अपना डालना है। तो हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना यूज़र आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल दिया, इस बार लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। कैप्चा कोड गलत हो गया था इसलिए हम फिर से भरते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा पेज शो हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न ब्यू रिटर्न फॉर्म। ब्यू रिटर्न फॉर्म पे क्लिक करके अपना जो पुराना वाला आपने फिलअप किया है इनकम टैक्स रिटर्न वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ तो इसमें जाना है फाइलिंग आप इनकम टैक्स रिटर्न, या तो ई फाइलिंग में जाना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न में आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे शो हो जाएगा असेसमेंट ईयर 2020-21, यहाँ पे आपको आना है, इस पर क्लिक हेयर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पेन नंबर दिखाई देगा, असेसमेंट ईयर, ITR फॉर्म नंबर, सबमिशन मोड, यहाँ पे इसको हम भर देते हैं। आपको भी ऐसे भर देना है, ITR वन कर देना है और नीचे आना है। यहाँ पे आपका बैंक का डिटेल दिख जाएगा, इसको आप मार्क कर देना है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई एग्री पे कर देना है और कंटिन्यू कर देना है। आपको ऐसा पेज शो हो जाएगा, आप देख सकते हैं हिंदी में, आपको हम दिखा देते हैं। देखिए आप हिंदी में आप निर्देश इसमें इस पेज में आपको निर्देश दिया रहता है, आप निर्देश पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम प्रारूप डाटा को सुरक्षित कर लेते हैं। दूसरे पेज में चलते हैं, भाग का साधारण जानकारी, इसमें आपका पूरी जानकारी रहता है, पैन कार्ड, आधार संख्या, ईमेल आईडी, पता रहता है। नीचे आना है, इसमें आपको सेलेक्ट करना है आप किस सेक्टर में नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट, पब्लिक, तो इसमें आपको चुन लेना है। इसके बाद यहाँ आपको चुन लेना है ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं, बाद में भर रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम भर रहे हैं, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद इसमें आ जाना है। अगर आपकी आय 1 करोड़ रुपये से अधिक सकल रकम जमा किया है तो इसको आप यस या नो कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आप नीचे आना है, आपको डाटा सुरक्षित कर लेना है, डाटा को सुरक्षित करते जाना है। इसके बाद आपको आय और कर की गणना वाले फाइल में आ जाना है, ये सबसे मेन आता है। आप देख सकते हैं कि हमारे फॉर्म 16 में जिस टाइप से दिया गया उसी टाइप का आपको भरना है। फॉर्म 16 में देख देख के यहाँ पे फिलअप करना है, तो हम फिलअप करते हैं फॉर्म 16 को देखकर। इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। इसके बाद आप धारा 17(1) के अनुसार ग्रॉस सैलरी जो होता है यहाँ पे आपको डाल देना है। तो हमारे सैलरी में जो दिया गया है 73,26,83, तो हम यहाँ डाल देते हैं। हमने यहाँ पे अपना ग्रॉस सैलरी डाल दिया है। इसके बाद नीचे आना है, देख सकते हैं जो 50,000 का हमको डिडक्शन मिला है वो यहाँ ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है यहाँ पर।
ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की तरफ छूट मिलता है इसमें 50,000 की। इसके बाद धारा 72 के अनुसार परिलब्धियों का मूल्य, इसको आपको छोड़ देना है, दोनों में अगर हो तो भर दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अलाउंस वाले ऑप्शन में आया है भत्ते की प्रकृति, भत्ते की प्रकृति में इसमें आना है, इसमें देखना है, इसमें अलाउंस का पूरा विवरण दिया गया है जो आपके लिए लागू हो। आप फॉर्म 60 में जो दिया गया है उसको देखकर आप आसानी से भर सकते हैं। तो हम सेक्शन 10(13)A अलाउंस टू मीट, ये होम रेंट का है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमारा होम रेंट है 23,669 रुपये, तो हम 23,669 रुपये हम डाल देते हैं। यहाँ पे 10(13) के अनुसार अलाउंस जो होम रेंट है हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। इसके बाद आपको हमने फॉर्म 16 में देखना है, जितने भी अलाउंस हैं उनको आप देखकर आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे भर दीजिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ड्रेस अलाउंस यहाँ पे ऐड पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आना है, एनी अदर पे करना है, यहाँ पे अपना टाइप कर देना है ड्रेस अलाउंस। यहाँ पे मैंने अपना ड्रेस अलाउंस डाल दिया, ड्रेस अलाउंस 10,000 रुपीज। इसके बाद एड वाले बटन पे क्लिक करना है, इसमें एनी अदर पे जाना है, जो भी आपके फॉर्म 16 में अलाउंस जो दिया गया है जो छूट के अंतर्गत था, तो उसको सब आप यहाँ पे फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे हमने RHI डाल दिया है, RHI 63,120 रुपये, और एड बटन पे क्लिक करते हैं, एनी अदर पे कर देते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना CEA 2400 रुपये, हमने यहाँ पे CA डाल दिया, CA 2400 रुपये। और देखिए और कोई भी अलाउंस अगर छूटा हो तो हम इसमें डाल देते हैं, 516 में देख के भरना है। यहाँ पे अभी रिकवरी फ्रॉम सैलरी 18,360 रुपये है, तो इसको भी हम डाल देते हैं। एड बटन पर क्लिक करते हैं और नीचे जाते हैं एनी अदर पे, इसमें डाल देते हैं रिकवरी फ्रॉम सैलरी। हमने रिकवरी फ्रॉम सैलरी से कटा हुआ हमारा पैसे है 18,360 रुपये अलाउंस, तो इसको हम यहाँ पे फ्लिप कर दिया, इस पर आपको टिक कर देना है। एक बार नीचे आना है, इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपको फॉर्म 16 में दिया गया है, उस फॉर्म 16 में दिखाई दे रहा है 56,51,34, वहाँ पे आपको हम अलाउंस भरने के बाद आपको जो शो हो रहा है ये सही आ रहा है कि नहीं। अगर आपको सही आ रहा है तो आप फॉर्म को सही भरा गया है, अगर नहीं आ रहा तो गलत है, आपको फिर से सुधार सकते हैं। इसके बाद कोई अन्य कटौती आपको है तो यहाँ पे आप गृह संपत्ति का कोई आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं, प्रॉपर्टी जो आमदनी है इसमें आपको डाल सकते हैं, या तो अगर नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद नीचे आना है आय की प्रकृति, इस वाले ऑप्शन में देखना है आपकी और कहीं से स्रोत है, जैसे सेव इनकमिंग है, इनकम आता है जैसे सेविंग अकाउंट से, फिक्स डिपॉजिट से, तो यहाँ पे आपको फ्लिप कर देना, अगर नहीं है तो नहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है, आप देख सकते हैं 80 जीवन बीमा किस्त स्थगित वार्षिक भविष्य निधि में योगदान, जो है अगर आपका कोई जीवन बीमा PLI NPS में जो आपकी कटौती होती है जो भी इन्वेस्ट है इसमें डाल सकते हैं। तो कितना है हम अपना यहाँ पे फिलअप कर देते हैं, तो हमारा 37,252 रुपये है, तो इसमें हम यहाँ पे फिलअप कर दिया, यहाँ पे अपना यस कर देना है, यस नो पे रहा यस पे कर देना है। इसके बाद यहाँ पे भर पढ़ के भर सकते हैं, ऐसे संबंधित आप कोई भी कहीं इन्वेस्टमेंट हो तो इसमें आप फिलअप कर सकते हैं। 80 का अगर पेंशन फंड
के संबंध में 80 घ केंद्र सरकार पेंशन योजना में योगदान, तो इसमें आप जो भी है इसमें आप भर सकते हैं। और नीचे आना है, इसमें आपको देखना है जो आपको फॉर्म 16 में जितना आपको इनकम टैक्स कटा है वो सही है कि नहीं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर सही है तो आपका फॉर्म सही फिलअप हुआ है, इसको प्रारूप हम सुरक्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले पेज में चलते हैं, कर विवरण यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कटौतीकर्ता का यहाँ पे पूरा विवरण दिख जाएगा, कितना कटा है ये भी दिख जाएगा आपको। 18,000 हमारा कटा तो 18,000 आप सो रहा है, सही है। अगर अन्य किसी स्रोत से आपको कटौती हुआ है तो आपको इसमें फ्लिप कर देना है, नहीं तो छोड़ देना है। वह डाटा को सुरक्षित कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, कर भुगतान और सत्यापन वाले ऑप्शन में। इसमें भी वही देख सकते हैं जितना भी आप कटौती हुआ है उसका विवरण यहाँ पे है, बैंक का जिसमें आपका रिफंड आएगा इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप सत्यापन वाले, यहाँ पे सत्यापन है इसको भर लेना है। नीचे पूरा जो दिया गया आपका सेलेक्ट कर लिया, सेल्फ में स्वयं भर रहे हैं तो सेल्फ पे क्लिक कर देते हैं, अपने यहाँ पे पता डाल देते हैं। हमने यहाँ पे स्थान भर दिया, इसके बाद आई वुड लाइक टू वेरीफाई आधार से कर सकते हैं, या वेरीफाई आधार विद 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग, इसमें आप जो भी चुनना चाहते हैं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़ा है तो आप इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको डाटा को सुरक्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अनुसूची DI, तो यहाँ पे दिख जाएगा जो भी आपका कटौती आपने जो भरा है, जो भी आपका जीवन बीमा कोई भी है यहाँ पे आपका दिख जाएगा, जो हमारा है वहाँ पूरा आ रहा है दिख रहा है, इसे हम सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, अनुसूची 80 घ, इसमें आप पे चाहे आप पे आपके परिवार कोई भी सदस्य माता पिता को छोड़कर एक वरिष्ठ नागरिक हो तो इसमें यस या नो कर देना है, अगर है तो यस नहीं तो नो। इसके बाद आपके माता पिता में से कोई एक वरिष्ठ नागरिक है या नहीं तो इसको है यस या नो कर दीजिए, नो। वह डाटा सुरक्षित कर लेते हैं। इसके बाद अनुसूची 86, इसमें जाते हैं, इसमें आपका वो कहीं डोनेट किया तो उसका विवरण इसमें डाल सकते हैं, डोनेशन कहीं भी किया तो इसका आप उसका विवरण इसमें भर सकते हैं, धन नहीं तो इसको सुरक्षित करके हम आगे वाले पेज में जाते हैं। अनुसूची 86, इसमें भी वही है आप डोनेशन के बारे में, इसके बाद हम प्रारूप को सुरक्षित कर लेते हैं। इसे अप्रूवल पे फॉर्म अफसर पे हम क्लिक कर देते हैं, पूर्वावलोकन करें और जमा करें, इस वाले आप कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिख जाएगा, आप इसको देख लेना है, अगर आपकी गलती है तो फिर से आप सुधार सकते हैं, आपको नीचे स्क्रॉल करके आपको देख लेना है, आपको दिख जाएगा जो जो आपने भरा है वो आप इसमें पूरा डिटेल आपको दे जाएगा, उसको देखकर आप सुधार सकते हैं अगर गलत है तो। हमारा फॉर्म फिलअप हो गया, सही है, हमने चेक कर लिया। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो संपादन वाले क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं, कहीं भी गलती हो तो उसमें। इसके बाद आप सही है तो जमा करें वाले ऑप्शन पे कर दें। इसके बाद आपको दिखाई देगा सेलेक्ट वन ऑफ द विलो ऑप्शन टू वेरीफाई योर इनकम टैक्स रिटर्न, आप आधार OTP इसमें देख सकते हैं, किसी भी टाइम नेटवर्क के किससे भी आप करना चाहते हो कर सकते हैं। अगर आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक है तो आप इस वाले ऑप्शन में आप क्लिक करके आप कर सकते हैं, इस पे आपको टिक कर देना है, इसमें नीचे जाना है, कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है।
इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ फिल कर सबमिट कर देना है, आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद आपको पिछले वाले ऑप्शन में आ जाना है, डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू रिटर्न पे क्लिक करके अपना आपका इनकम टैक्स भर गया कि नहीं इसको आप देख सकते हैं। सबमिट कीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। तो इस टाइप से आप भर सकते हैं वीडियो को देखकर। वीडियो में हिंदी में हमने बताया है, तो आप देखकर आप आसानी से भर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।